यू आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन द रीजनल कंटेंट एंड सेइंग मराठी इज द थिंग, सो हाउ यू आर प्लानिंग टू ग्रो इन महाराष्ट्र और वॉट इज योअर मैसेज टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र और हु रीड्स लाइक और हु आर बेसिकली मराठी, हाउ यू आर प्लानिंग लाइक सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट और सम काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग और वॉट्स योर नेक्स्ट प्लान टू ग्रो इन मराठी ऑडियंस स्पेसिफिकली और वॉट यू हैव टू ऑफर टू देम. Our product has been made available in multiple Indian languages, and we'll keep launching more of them. Right, our plan is to get to 25 plus Indian languages by the end of the year. Marathi is also open to the public. I'm actually a Mumbaikar, and mala pan Marathi. Jasti eight nine, but I can understand. You know, I'm born and brought up in Bombay, right? So I'm very, very close to the language. So we launched Marathi a few months back, and you know, the adoption of Ku amongst Maharashtrians has been really great. I think there are very few places where they get to meet each other. Where they're able to comment on each other's posts, where they're able to read each other's thoughts. You know, it's a very different feeling from reading a newspaper, because that's been written by journalists. But when you come to Ku, you're able to connect with someone who's talking about politics. You're able to connect with someone who's talking, you know, who's reciting a poem. You're able to connect with someone who's putting up a video of what they are doing today, right? So Ku is a very nice way for a community to meet each other, right? They wouldn't have had the opportunity to have met in the offline world, but that's happening online, right? And we have lakhs of people that have joined the app in multiple languages, and you know, Marathi being one of the core ones. So we have even ministers that are joining from Maharashtra. So that's an ongoing process. You know, I foresee that we'll have a very, very large Maharashtrian community on Ku, you know, in the next few months, when more people get to know about it, and you know, when people like you talk about it and take the word out to the Maharashtrians. जैसे कि अभी आपने बहुत सारे फीचर्स बताए, आप लैंग्वेज के लिए बहुत फोकस किया है, लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज में ये अवेलेबल रहेगा Ku ऐप, और लेकिन फिर भी आपने, जैसे मैंने सभी इतने दिन से सुन रही हूँ मैं, कि आम कॉमन मैन के लिए ये ऐप बनाया गया है, कॉमन मैन यूज कर सकता है उसके जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऐप अवेलेबल है जिसमें ये सारे फीचर्स अवेलेबल है, तो फिर भी सेम फीचर लेके वो ऐप मार्केट में क्यों आया है, इसके पीछे कुछ इंटेंशन है? जी, को क्या है, एक अलग प्रोडक्ट है जहाँ पे कई सारे आप जो एप्स देखते हैं वहाँ पर आपको कंटेंट पहले से ही दिखाया जाता है, राइट? चाहे आप किसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं, आपको इमीडिएटली कंटेंट दिखाया जाता है. Ku एक कम्युनिटी और पीपल का नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है जो कम्युनिटी के आधार पर बनाया गया है. क्या मतलब है? जब तक मैं आपको फॉलो नहीं करता, मेरे फीड में आपका कंटेंट नहीं दिखेगा, और चॉइस मेरा है कि मैं किसको फॉलो करूं. तो मेरा फीड कस्टमाइज रहेगा, मेरा फीड आपके फीड से अलग रहेगा, आपका फीड मेरे फीड से अलग रहेगा, और ये आधारित होता है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं. अगर आप ये देखेंगे तो ऐसे प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं है जो इंडियन लैंग्वेजेस में है. ज़्यादातर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कॉन्टेंट फर्स्ट अप्रोच लेते हैं. इसका मतलब हमारा, हम दोनों का फीड एक ही रहेगा, और वो डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट दिखाया जाएगा. वो हमारे, यू नो, आई डोंट गेट टू डिसाइड दैट एज अ यूजर. ऑन Ku द यूजर गेट्स टू डिसाइड व्हाट व्हिच पर्सन दे वांट टू फॉलो, एंड हेंस देयर फीड इज कस्टमाइज्ड टू देयर पर्टिकुलर इंटरेस्ट. And as you said के December end तक particular number आपको achieve करना है, so इसके लिए आपके future plans क्या है? जी, future plans हैं multiple languages में launch करना. हमारे काफी
प्लान्स हैं जो आज मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, मगर हमारे प्लान्स अग्रेसिव हैं। हम चाहते हैं कि हम भारत की ज़्यादातर भाषाओं में अवेलेबल हों। हम हमारी ग्रोथ होती है जब हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स अपने दोस्तों को बोलते हैं, तो जब वो बेस बढ़ता जाता है उसका नेटवर्क इफेक्ट से हमारा बेस और भी ग्रो होता है। पहले 10 लोग थे, उन्होंने 100 लोग को बोला, 100 लोगों ने हजारों को बोला, हजारों ने लाखों को बोला, लाखों ने 10 लाखों को बोला। तो अभी ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिससे अवेयरनेस बढ़ी है हमारी कंट्री में, और उससे कई पार्टनरशिप्स होंगे, उससे हमारे यूजर ग्रोथ होगा, यूजर ग्रोथ से और यूजर्स दूसरे यूजर्स और दोस्तों को बुलाएंगे। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे और लैंग्वेजेस लॉन्च करते रहेंगे।